नमस्कार, सत्ता विमर्श के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। पूरी दुनिया कोरोना महामारी के महासंकट से जूझ रही है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में तो 24 मार्च की रात से ही कंप्लीट लॉकडाउन है। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। लोगों की नौकरियां जा रही हैं, काम धंधा चौपट हो गया है, लोगों को खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। ऐसे में कुछ सवाल और कुछ सलाह माननीय प्रधान सेवक जी से। प्रधान सेवक जी, अगर आपकी ही बातों पर भरोसा करें तो आप पहले अक्सर कहा करते थे यूपीए सरकार हर साल 1,00,000 करोड़ का घोटाला करती थी। अब आप ही कहते हैं कि मोदी राज में कोई घोटाला नहीं हुआ, तो कुल 6,00,000 करोड़ तो आपने देश के लिए बचा ही लिए। आप जनता के बीच इतने लोकप्रिय हैं कि आपने एक बार कहा कि सब्सिडी छोड़ दो तो लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ दी। अरबों रुपए का देश को फायदा हुआ। आपके प्रधान सेवक बनते ही कच्चे तेल के दाम गिरने शुरू हो गए। आजकल तो कौड़ी के भाव हो गए हैं, कोई मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं। लेकिन आपने देश में पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं घटाए। कांग्रेस के भाई लोग तो कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने इसमें कम से कम 20,00,000 करोड़ तो कमाए ही। नोटबंदी से अरबों रुपए का काला धन और जीएसटी से अरबों का टैक्स भी आया। एनपीए के चक्कर में बैंकों का बही खाता दुरुस्त करने के लिए आपने रिजर्व बैंक भी खाली कर दिया। देश पर जो कर्ज मनमोहन सरकार छोड़ कर गई थी वो भी आपने नहीं चुकाया। बुलेट ट्रेन भी नहीं चल पाई। कोई डैम या कोई ऐसा उद्योग भी खड़ा नहीं किया जिसमें पैसा खर्च हुआ हो। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि इतना सारा पैसा गया कहां? प्रधान सेवक जी, आज लॉकडाउन की वजह से जनता खाली हाथ है। उसे 2 जून की रोटी के लिए पैसे चाहिए, मजदूरों को घर जाने के लिए रेल का किराया भी चाहिए, मिडिल क्लास को घर की ईएमआई चुकाने के लिए पैसे चाहिए, उसे बच्चों की स्कूल फीस चुकाने के लिए पैसे चाहिए। इसलिए जल्दी से देश को बताइए कि कितना पैसा राजकोष में जमा है और उसमें से कितना निकाल कर आप जनता को देने की स्थिति में हैं। देरी होगी तो सत्ता के लिए कहीं दिक्कत ना हो जाए, इसलिए बिना देरी किए जनता की तकलीफ को दूर कीजिए। प्रधान सेवक जी, आखिर ये पैसा भी तो जनता का ही दिया हुआ है, उसी पर लुटाने में कैसी सर।